बड़ी ही मंगलमयी बेला है। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मेति उदाहरतः। ये बहुत उत्तम काल है, उत्तम समय है, हरि सुमिरन का ये अवसर है, आत्म जागृति की बेला है। भीतर का द्वार खुल गया है और जो यात्रा करना चाहते हैं वे इस मार्ग में आए। देश के सभी क्षेत्रों में अपने अपने घरों में बैठे पूज्यपाद गोस्वामी जी की ये मानसी यात्रा तुलसी दल की पत्तियों के समान मंगलमय और प्रभु श्री राम को बहुत प्रिय है। तो ये वार्ता यहाँ चलाई जा रही है और ये राम गाथा, ये हरिचरित्र मन के मैल को मिटाने का मंगलमय साधन है। मेरे भाई बहन, जीवन का तो कुछ भरोसा नहीं, कब श्वासें कहां ठहर जाएं। मनुष्य का कोई अस्तित्व तो है ही नहीं इस विराट प्रकृति में। एक एक श्वास उनकी कृपा से आ रही है, न जाने कौन उनकी करुणा हमारे ऊपर बरसती है जो हम उनके गुणानुवाद में श्वास ले रहे हैं। मेरे भाई बहन, हृदयस्थ आनंद स्वरूप परमात्मा को छूने के लिए ये तुलसी की हरियाली का मार्ग जाता है, ये पंक्तियां वहां की यात्रा करा देती है। हमारा स्वरूप है आनंद, हमारा स्वरूप है उत्तम, हम उत्तम पुरुष की संतान हैं, पुरुषोत्तम की जाति है हमारी, हम उनकी जाति के हैं। हमारी उत्तमता कम न हो जाए, अपने को देखते रहिएगा और भगवान की जो कथा है ये ऐसा योग है कि उसमें सभी आयाम पूरे हो जाते हैं। गृहस्थी में कैसे रहना, व्यापार में कैसे रहना, व्यवहार में कैसे रहना, वो सब प्रभु श्री राम के पावन चरित्र सिखा रहे हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो जैसे रहे, जैसे उन्होंने आचरण किया, भाइयों के साथ क्या उन्होंने त्याग का वैराग्य का स्वरूप स्थापित किया है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और स्वयं मां जानकी भी। राम जी को वनवास हुआ था श्री सियाजी को नहीं, परंतु मेरे स्वामी जिस अवस्था में रहे मैं उसी अवस्था में उनका दासित्व का कार्य करूं, उनकी सेवा उनके चरणों में लगे। संसार में तो सुख के सब साथी हैं, साधनों के सब साथी हैं, सुख गए साधन गए तो तुम्हारे अपने भी तुमसे मुख मोड़ लेते हैं। जिनके लिए तुमने बहुत झूठ बोले,
व्यापार में इधर उधर किया, परंतु जब तुम्हारे सुख और साधन गए तो वे सब तुम्हें छोड़ गए। वित्तम क्षीण जनम त्यजन्ति गणिका शुष्क सरह सारसा। सरोवर में पानी सूख जाता है तो सारस उस जगह को छोड़ जाता है। वृक्ष पर फल नहीं रहते तो फिर पक्षी वहां चहचहाने नहीं आते। मेरे भाई बहन, ये दुनिया तुम्हें त्याग दे उससे पहले तुम असंग हो जाना। दुनिया को तो तुम नहीं छोड़ पाओगे, लेकिन इसमें जो स्निग्धता है, जो चिपटना है, जो चिपकाव है, जो ममत्व के कारण आपका आंतरिक उसी में खपना है, उसे सावधान हो भैया। भगवान महादेव ने कहा था, देवी ये सच नहीं है संसार, दिखता है साचा साचा पर है तो झूठा है, असत्य है। सब ऋणानुबंध से जुड़े हुए हैं, कुछ लेना देना है, इसीलिए कोई पिता बना है, कोई पुत्र बना है, कोई भाई बना है, कोई बहन बना है, सब अपना पुराना हिसाब किताब बराबर करना है। और जैसे ही बराबर हो जाएगा फिर तुम्हारा कोई नहीं, तुम्हारा केवल ईश्वर ही था, आगे भी तुम्हारा शाश्वत सखा स्वामी गुरु पिता माता सब ईश्वर ही रहेगा। एकांत में बैठकर बाएं हाथ पर दाहिना हाथ रखकर मेरुदंड को सीधा करके प्रातःकाल एकांत में ये स्मरण कर कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है क्या, मैं जिनके लिए कर रहा हूं ये झूठ साच ठीक है क्या, मैं किसके लिए झूठ बोलूं, मैं किसके लिए कपट करूं, मैं किसके लिए लोगों को ठगूं। जिंदगी के दिन ही कितने हैं, हे ईश्वर प्रारंभ तुमसे है और समाप्ति भी तुम ही हो, इसलिए अब रास्ता मिल गया है, हम तुम्हारे हैं गोविंद। हे ठाकुर, हे बांके बिहारी, हे अवध बिहारी, हे कामतानाथ, मीरा ने जैसे असंग हो करके उन्मुक्त भाव से तेरा भजन किया था। कभी कभी साधकों को संसार ही लात मार देता है, त्याग देता है, तब जो विरक्ति जागती है, और वो विरक्ति ठाकुर के पास पहुंचने का संक्षिप्त मार्ग है। अपनों का तिरस्कार, स्वजनों का तिरस्कार, बहन हृदय में भक्ति भरकर भगवान की ओर जीव जब चल पड़े उसी दिन उजाला शुरू हो जाता है। और जगत जब तक भाता रहे, जगत में जब तक नाता रहे, जब तक जगत में जीव जाता रहे, तब तक वो रास्ते अंधेरे के हैं, उनमें भटकना भटकना। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्म बीतते हैं तब कोई ज्ञानी आदमी, ज्ञानी महापुरुष मुझे प्राप्त करता है। इसलिए हे साधको, हे पुरुषोत्तम परम नारायण के उपासको, इस पावन समय पर राम जी तो घट घट समाये हुए, हमारे यहाँ तो आरती गाते थे, आरती श्री हरि घट घट वासी, जय सच्चिदानंद सुख राशि। जो घट घट निवासता है,
कोई घट खाली नहीं है, सब घट मेरा साईया, खाली घट ना कोई, बलिहारी बा घट की जा घट प्रगट हो गए, हर घट में वो बैठा है। और ये सब बात आपसे न बने तो दीन की भांति होकर हरि कथा सुनना। रामायण मैया, ये तुलसी की पंक्तियां, ये बाबा की प्रसादी तुम्हारा जीवन मंगल में भरा है। ये स्वयं परिवर्तन करती हैं पंक्तियां, ये मंत्र हैं, महामंत्र है, एक एक चौपाई मंत्र है। रामायण कोई कोई पुस्तक नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये भगवान के निवास का भवन है, घर है। उसमें ठाकुर रहते हैं, उसमें सियाजी रहते हैं, लक्ष्मण दादा रहते हैं, भरत भैया। इसमें प्रेम है, वैराग्य है, भक्ति है, ज्ञान है, साधन मौन है, शत्रुघ्न मौन साधन है, उपासना है, ज्ञान है, क्रिया है, भक्ति है, सब कुछ है। इसलिए बड़े भाव से, श्रद्धा से एक बार मेरे काल कीजिए और भगवान राम का जन्म हुआ है, आगे बढ़े। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास। चार पुत्र पैदा हुए और गोस्वामी जी इतना सुंदर वर्णन करते हैं। पिता जब पहले बार उसको खबर मिलती है आप पिता बन गए, उस समय वो आनंद को अनुभव कर सकता है, कह नहीं सकता। और वो जो आनंद है, वो आनंद करीब करीब ब्रह्म को छूकर आता है, करीब करीब। उस आनंद को कोई ठहरा पाए तो ब्रह्मानंद जैसा ही है। दशरथ जी को बड़ी अवस्था में चार पुत्र हुए थे, आशा भी नहीं थी, गुरु कृपा से प्राप्त हुए हैं। हम गोस्वामी जी लिखते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनिया, मानो ब्रह्मा नंद समाना, मानो ब्रह्मा नंद समाना। ऐ दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मा नंद समाना, मानो ब्रह्मा नंद समा। परम प्रेम तन तुलक शरीरा, चाहत उतन करत मन प्रीता, चाहत उतन करत मन प्रीता, सुनत सुबह होली
की जब पुत्र जन्म की बात चक्रवर्ती महाराज ने सुनी है, मानो ब्रह्मानंद में समाहित हो गए, समाहित मनसास्मा, मन उसमें प्रविष्ट कर गया। कहां? ब्रह्मानंद में। चार पुत्र प्राप्त किए हैं, मानो ब्रह्मानंद मिल गया। जब ब्रह्मानंद मिलता है तो उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है कि साधक के भीतर परम प्रेम उमड़ने लगता है। परम प्रेम, शरीर पुलकित होने लगता है, रोमांच होने लगता है। परम प्रेम करना उठना चाहते हैं। हो विचार भीतर से आया, हो ब्रह्म आया, जा करना सुनत शुभ हो शुभ 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 हो जाता है। वो प्रभु मेरे घर पुत्र बनकर के पैदा हो मोरे गृह आभा प्रभु सोई। और जैसे ये बात याद आई कि प्रभु आए, तो परमानंद, दोनों दोनों आनंद, ब्रह्मानंद परमानंद। खबर सुनी थी तो ब्रह्मानंद में डूबे, और स्मरण आया कि ईश्वर आ गया, तो परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजा परमानंद की यात्रा होती है, तो जीवन में बाजे बजने लगते हैं, अनहत नाद बजने लगता है, मंगल ध्वनि बजने लगती है, और भीतर सुनो ओ नूपुर की झनकार, ओ मीरा के नूपुर खनकने लगते हैं, नरसिंहों की खड़ताल बजने लगती है, संतों के मरीरे खनक जाते हैं, नारद की वीणा बजती है भीतर, सब भीतर वादन होता है, सारे यंत्र प्रकट हो जाते हैं हृदय में, परमानंद रूपते हैं। परम प्रेम तन पुलक सब चार कुमार प्रकटे हैं। वशिष्ठ भगवान को बुलावा भेजा है, ब्राह्मणों के साथ आए हैं, सुंदर मंत्रोच्चार किया है, जात कर्म किए हैं और बहुत दान किया है। हाटक, धेनु, वसन, मणि,
नृप विप्रन कह दीन, सोना लुटाया, गायों का दान किया, वस्त्रों का दान किया, मणियों का दान किया, और इतना लुटाया। गोस्वामी जी कहते हैं सर्वस दान दीन सर्व हो जेहि पावा राखा नहीं ता। गली गली में गुलाल उड़ रहे, बाजे वाले बाजे बजा रहे हैं, नर्तकियां नृत्य कर रही हैं, गंधर्व गायन कर रहे हैं, पूरे पूरे अवध में किन्नर गंधर्व गायन करके हरि की महिमा को कीर्ति को बढ़ा रहे हैं। पुष्पों की जहां तहां बारिश जय जयकार हो रही है और सब कुछ लुटाया और सबने लुटाया। केवल अवधपति ने लुटाया, सो नहीं, जिसको मिलता था वो भी रखने को राजी नहीं था, वो भी दूसरे को दे देता, फिर उसको मिले तो वो भी दूसरे को दे दे, तो संभालना ये ले और फिर शुरू हो जाए अवध में विराम कर अवध के बुला खूब नाचे, कोई रखने को राजी। ब्रह्म आता है तो जगत के सुख तो मिल ही जाते हैं, लेकिन जो साधक हैं, जो जो हरि रस को पी रहे हैं, वे संसार सुख मिलता है दूसरे को दे बांट देते हैं, तुम संभालो भैया तुम संभालो। ईश्वर आपको सुख देता हो तो थोड़ा बांट बांट करके खाइएगा, बांटते बांटते चलना। महाराज चक्रवर्ती के यहाँ सुख बट रहा है, ब्रह्मानंद बट रहा है, देवता ऋषि मुनि सब द्वार पर खड़े हैं, सब ब्राह्मणों के वेश में वेदोच्चार कर रहे हैं। भगवान वशिष्ठ स्वर्ण के पात्र में मधु लेकर के स्वर्ण की सलाका से राम जी को मधु स्पर्श कराने चटाने के लिए ले जाते हैं। बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले किसी महापुरुष के कर कमल द्वारा, क्योंकि पहला भोग जो देता है उसके गुणधर्म उससे प्रवाहित हो जाते हैं। स्वर्ण की सलाका से शहद प्रभु को चटाया, परिणाम भगवान सारा जीवन मीठे ही मीठे बोले, मधु मधु मधु। भगवान पूरे के पूरे मधु हो गए, इतने मधुर हैं ठाकुर कि जब राम जी निकलते थे, कृष्ण भगवान ब्रज में निकलते थे तो घोड़े और मधुपक्षियां उनके पीछे पड़ जाते, बन बनाते हुए थे बस। अभी महापुरुषों ने कहा है अधरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसि तम मधुरम हृदयम मधुरम मधुरम मधुराधि पते अधर मधुर है, वाणी मधुर है, चेहरा मधुर है, पूरे के पूरे भगवान मीठे मीठे मृदु मृदु मधुर मधुर है, मंजुर मंजुर है, मधुर मधुर है। भगवान महादेव भी भवानी के साथ दर्शन को आए। मेरे भाई बहन, भगवान शंकर कहते हैं देवी मैंने एक चोरी की। अब बाबा और चोरी ये बात तो समझ आती नहीं, बोले हाँ चोरी की,
क्या चोरी की? बोले मैंने चोरी की राम दर्शन की। चोरी चोरी में राम जी के दर्शन को चला गया।